का जो चैप्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ। ये बड़ा एक ये कह सकते हो कि आप हमेशा से मनुष्यों के लिए मिस्टीरियस रहा ये, कि हम लोग ये सोचते रहे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ होगा, पृथ्वी में जीवन कैसे आया होगा, ये नदी, ये पहाड़, ये झरने, ये आसमान, सितारे, चिड़िया, ये सब चीजें बनी कैसे होंगी, और जब मनुष्य नहीं था तब क्या था, और जब मनुष्य आया तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी ये मिस्टीरियस चीज रही कि हम पृथ्वी पर मनुष्य के आने के पहले क्या था और इस पे जीवन आया कैसे। तो कुछ तो हमको इससे हमको ये मिलता है कि हमको कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि जो फॉसिल्स हैं उससे ये पता लगता है कि हमसे पहले यानी कि मनुष्य के पृथ्वी पर अवतरण से पहले और क्या कौन कौन से जीव रहा करते थे। तो वो जीव हमको फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं, जीवाश्म के रूप में। और इसके अलावा कुछ बाहर से जो मीटियोराइट, एस्टेराइड वगैरह जो हमको उसके टुकड़े मिलते हैं जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ जाते हैं, उससे भी कुछ हमको प्रमाण मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमेशा ये अलग अलग समय पर ये सोचता रहा, मनुष्य सोचता रहा कि पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ कैसे। तो आज हम इसी चीज को थोड़ा सा कुछ एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे कि ये वास्तव में पृथ्वी पर जीवन आया कैसे और हम पृथ्वी पर कैसे आए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पृथ्वी पर जीवन आने से पहले ऐसी कौन सी सौरमंडल में या ये कह सकते ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन आया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमको ये मिलता है बिग बैंग थ्योरी, जिसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिसके ऊपर में कोई डाउट नहीं है। सभी साइंटिस्ट, पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी को सही मानते हैं, जिसको एम्वे लेमेत्रे ने दिया था। और ये लगभग, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, मैं एक चित्र दिखाता हूँ आपको। ये एक चित्र दिख रहा है आपको, ये जो चित्र है इस चित्र में ब्रह्मांड का वो हिस्सा दिख रहा है जहां पर तारों का निर्माण होता है। ये जो स्थान है देखिए यहाँ पर, ये जो है इस जगह पर लगातार विस्फोट हो रहा है, और इस विस्फोट के द्वारा बहुत सारे ढेर सारे नए नए तारे और तारों का झुंड, जिनको हम गैलेक्सीज बोलते हैं, निहारिकाएं बोलते हैं, जैसे हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है जिसका नाम आकाशगंगा है, मिल्की वे जिसको कहते हैं। तो ये गैलेक्सी एक हो गई, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यहाँ पर। तो हमको ये गैलेक्सीज मिलती हैं, और ये जो गैलेक्सीज हैं ऐसी जो असंख्य गैलेक्सीज हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, ये कह सकते हो कि हमारे ब्रह्मांड में 2 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हैं, और हर एक गैलेक्सी में 2 बिलियन से ज्यादा सौर मंडल या सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो देखें बिग बैंग हुआ कैसे। इस चित्र को देखिए, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमको यहाँ दिख रहा है बिग बैंग। यहाँ पर एक कोई सोर्स स्रोत था उस जगह पर, यहाँ पर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से ब्रह्मांड की इसमें इस विस्फोट से ब्रह्मांड की बहुत सारी चीजें इधर उधर फैल गई। बीच में एक लंबा समय आया, ये लंबा समय जो था ये डार्क एज था। समय देखिए यहाँ पर 380,000 मिलियन ईयर, सॉरी मिलियन ईयर नहीं, बिलियन ईयर, इतना समय ये। इसके बाद यहाँ पर फिर स्टार्स बने, स्टार्स मिलकर के गैलेक्सीज बनाए 1 बिलियन यानी एक अरब साल, सॉरी 1 बिलियन यानी लगभग 10, देख लीजिए। और उसके बाद ये वर्तमान की ये जो वर्तमान में जो हमको गैलेक्सीज जो दिखती, मॉडर्न गैलेक्सीज दिखती हैं, और इसमें एक विशेष बात यह है कि ये समय, इसके साथ समय चलता है, ध्यान रहे। समय जो है वो उसको एक अलग से, एक आपको नए वीडियो में बताऊंगा मैं कि समय कैसे होता है और कैसे चलता है। वास्तव में समय जो है वो कुछ नहीं है, समय जैसी कोई चीज नहीं है, प्रकाश की जो यात्रा है वही समय है। तो अब यहाँ देखिए, ये एब्बे लेमेत्रे ने ये बताया था कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट हुआ ब्रह्मांड में, और
ये विस्फोट, ये सोचिए कि लगभग 10 अरब साल तक ये चलता रहा, और इससे लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का विकास, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। वास्तव में जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, इसमें बहुत सारे जो जो गैसी सेलेस्टियल बॉडीज थी, जिसमें मटेरियल था, गैस थी, धातुएं थी, और अधिकांशतः रेडियो एक्टिविटी बहुत अधिक मात्रा में थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण, इनके अंदर जब गुरुत्वाकर्षण अणुओं के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ, और गुरुत्वाकर्षण से साथ ये एक दूसरे के साथ क्या होते चले गए, संघनित होते गए, संघनित होते गए, संघनित होते गए, संघनित हो गए, और उसके बाद ये एक सपाट डिस्क के रूप में बने, जिससे बनी एक निहारिका। ये सौर निहारिका जो थी, इसके बीच में जो था बहुत अत्यधिक गर्म स्थान था, और उसमें अनेक सूर्य थे, बहुत सारे सूर्य थे, इतने सारे सूर्य थे कि अब वर्तमान में भी हम नहीं गिन सकते, और बहुत अधिक मात्रा में बहुत बहुत सूर्य थे। तो ये जो सूर्य थे, ये अब संघनित होते गए और अपने अपने सौर मंडल बनाते गए। जैसे हमारा एक सौर मंडल है, जिसको हम अपना सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सन का सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और पहले एक प्लूटो था, जिसको बाद में 2009 से उसको अलग कर दिया गया, और प्लूटाइड दे दिया गया। पहले वो ग्रह माना गया था, बाद में उसको ग्रह ना मान करके एक अलग श्रेणी प्लूटाइड कह दी गई। तो ये ऐसे 8 ग्रह से एक हमारे सौर मंडल का विकास हुआ। उस समय पृथ्वी जो थी, वो लगभग जैसा वर्तमान में सूर्य है, उस समय पृथ्वी का जो तापमान और पृथ्वी की जो सतह थी, वो भी वैसी ही थी जैसी जैसे वर्तमान में हमको अभी सूर्य दिखाई देता है। यह सूर्य की जो स्थिति है, धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी। अब यहाँ पर देखिए, एक विशेष बात यह है कि पृथ्वी जो है, वो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यदि यह बुध के समान पास हो, या बृहस्पति के समान, या मंगल के समान दूर हो, तो बुध या शुक्र के समान इसके सतह का तापमान अत्यधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा, इतना अधिक तापमान होगा कि जिसमें जीवन संभव नहीं है। या यदि मंगल के समान हो दूरी उसकी, तो पृथ्वी के जो सतह का तापमान है, -180 या उससे भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इतने टेम्परेचर पे भी जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता, यदि होगा भी तो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसमें सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर अभी तक के जो वर्तमान पृथ्वी पर अभी तक जो सबसे ज्यादा सबसे कम तापमान जो किया गया है, -89 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है एंटार्क्टिका में, और नॉर्थ पोल पर जो किया गया है, -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही किया गया एंटार्क्टिका में जो किया गया था। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और ये 15 करोड़ किलोमीटर जो था, ये इतनी ऑप्टिमम दूरी थी सूर्य से, जिसके कारण पृथ्वी जो थी, उसमें बहुत अधिक रेडिएशन भी नहीं था, यानी रेडिएशन धीरे धीरे कम हो रहा था, और तापमान भी बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा था, जिसके कारण एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो जीवन के लिए आवश्यक है, उस टेम्परेचर तक आने के लिए ये एक अच्छी एक कंडीशन बनने लगी। तो ऐसा होते होते, जब पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई होती गई होती गई, और होते होते गैस और जो धूल का जो था, बादल जो था पूरी पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी एक गैसी पिंड थी, वो धीरे धीरे जो सतह थी वो ठोस होती गई, और जो गैस और वाष्प जो थी, वो जो गैस वगैरह जो थी, वो धीरे धीरे, जो वाटर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं उस समय, जो वाटर वाटर वेपर थी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह जो थी, ये इस प्रकार से इसमें थोड़े थोड़े संघनित होते गए, और इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर वाटर वेपर बना दिया। याद रखिए, अभी पानी नहीं बना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आगे जो प्रक्रिया हुई, इसको हम आगे देखेंगे फिर। अब यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं पृथ्वी की संरचना के, कुछ सिद्धांत हैं कि पृथ्वी जो है, इसके विकास हुआ कैसे, और पृथ्वी जो है उसमें जीवन आया कैसे। तो इसमें जो सबसे जो वाइडली स्प्रेडेड जो सिद्धांत है, जिसको मानते तो सब लोग हैं, लेकिन विश्वास कोई नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है इस सिद्धांत की। इसमें है इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्योंकि ज्यादातर पृथ्वी, हम लोग जो है धार्मिक लोग हैं, तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबिल हो, कुरान हो, या जबूर हो,
या ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, हमारे वेद है, पुराण है। तो ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, जिन पुराणों में या भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में पृथ्वी की संरचना और तो पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति, मानव के विकास के विषय में अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग से वो कहानियां दी गई। तो एक हम एक चूंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हमको इसको जरूर देखना चाहिए। तो उसके अनुसार जैसे कि जो फादर सुरेश ने 16 सेंचुरी में बाइबिल के जो जेनेसिस से उसकी जो चैप्टर है उसके आधार पर यह सिद्धांत दिया था कि इसके अनुसार भगवान जो है उसने पृथ्वी को 6 दिनों में बनाया। अब ये 6 दिन जो थे, अब ये बड़ा ये लगता है कि हमारा तो 24 घंटे का समय है। तो बाइबिल और कुरान के जो वो उसमें जो विस्तार जो दिए गए हैं वो हैं, उसमें जो वर्णन दिए गए हैं उसके अनुसार 1 दिन जो है वो 50,000 साल का। अब कैसे है ये अलग बात है, ये धार्मिक बात है, विश्वास की बात है ये, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो प्लूटो है, प्लूटो में 1 दिन जो होता है वो 248 दिन का होता है पृथ्वी के, या बुध है, बुध में 1 दिन केवल 9 घंटे का होता है। तो अलग अलग ग्रहों में अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है कि उस समय पृथ्वी का 1 दिन जो हो 50,000 साल का होता रहा होगा, हम नहीं कह सकते, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक बात है और इस पे ये केवल धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई चीजें हैं, जिसपे हम ना तो हम इस पे विवाद कर सकते ना इस पे हम कोई डिस्कस कर सकते, केवल जो है उसको हम एक सिद्धांत के रूप में हम अपने किताबों में अपने स्टडी में दे सकते, उनको स्थान दिया जा सकता है। तो इसमें जो पहला दिन था उसमें पृथ्वी और स्वर्ग बनाया गया। अब स्वर्ग किसने देखा है, बोलते हैं जब तक मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग किसने देखा है नहीं मालूम भाई। अब स्वर्ग जो देखा है वो जीवित नहीं है, और जो जीवित है उसने स्वर्ग नहीं देखा है, पृथ्वी तो सबने देखा है। दूसरे दिन में आकाश और पानी बना, तीसरे दिन में भूमि और पौधे बने, चौथे दिन में सूर्य चंद्रमा और तारे बने। अब ये विशेष बात है कि पहले पृथ्वी बनी, बाद में सूर्य और चंद्रमा बने और तारे बने, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, हमारा विज्ञान तो ऐसा नहीं कहता है। खैर, पांचवा दिन जो था उसमें मछलियां और पक्षी बने, यानी पानी पहले बना। अब यहाँ देखिए आकाश और पानी दूसरे दिन में बन गए, अब बाद में फिर मछलियां और पक्षी बने, यानी जो दूसरे दिन में आकाश और पानी बन गए तो आकाश में पक्षी और पानी में मछलियां पांचवें दिन आई। और छठवां दिन जो था उसमें जमीन के जो दूसरे जानवर थे वो सब बने, और उसमें से पहला आदमी जो था वो था एडम, और उसकी 12वीं पसली से ईव बनी। अब ये एडम और ईव हैं, इनकी बड़ी गजब स्टोरी है। देखिए जो बाइबल में और कुरान में ये स्टोरी दी गई है कि ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने जब स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग में अपने एंजल्स जो थे, जिनको फरिश्ते या एंजल्स कहा जाता है, देवदूतों को उसने कहा कि जाओ अलग अलग जगहों से मिट्टी जमा करके लाओ। और अलग अलग जगह से मिट्टी जमा करके लाई गई, और ला करके सबसे पहले एक व्यक्ति को बनाया गया, उसका नाम था एडम या आदम। अब ये आदम को बनाया गया, और उसके बाद उसके जो दूसरे जो सारे जितने भी एंजल्स थे उनसे कहा गया कि आप इसके सामने वो सजदा करो, ठीक है, इसके सामने झुको। तो सारे तो झुक गए, सारे जो एंजल्स थे वो तो झुक गए, लेकिन एक इबलीस नाम का जो एंजल था वो नहीं झुका। उसका मानना था कि मैं केवल खुदा के सामने, ईश्वर के सामने ही झुकूंगा, अपने बनाई हुई मिट्टी के पुतले के सामने मैं कैसे झुकूं, मैं उसकी बोली उसकी उसकी वंदना नहीं कर सकता। तो ईश्वर उससे नाराज हुए, और नाराज होकर के उसको जन्नत से यानी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब ये बाहर निकल गया तो बाइबिल की स्टोरी के अनुसार वो ये सोचने लगा कि अब ये जो है यहाँ पर इनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए, यानी जो एडम और एडम है इनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए। अब इधर जो ईश्वर जो थे उन्होंने एडम को छोड़ दिया, अब एडम जो थे वो स्वर्ग में सारी चीजों का उपयोग करते, बढ़िया मजे से इधर उधर घूमते और घूमते मजे लेते, आनंद उठाते, लेकिन करते करते आखिर कितने दिन अकेले वो बोर हो गए। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, ये ईश्वर मैं अकेला बोर हो गया हूं, मुझे अपने साथ कुछ साथी चाहिए। तो ईश्वर ने उनकी पसली से फिर एक महिला, जो जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, एक महिला को उन्होंने जन्म दिया। तो इस एडम की जो 12वीं पसली थी उससे ईव यानी हवा का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जो तीन जो पुरातन धर्म है, यहूदी, क्रिश्चियन
और मुस्लिम इस्लाम, इनमें ये स्टोरी कॉमन है तीनों में। आगे मैं अपने जो सनातन धर्म है उसकी भी स्टोरी बताऊंगा कि वहां भी क्या हुआ। तो यहाँ पर जब ईव बनी, अब ये दोनों मासूम थे, वैसे ही मासूम थे जैसे बच्चे होते हैं। तो इनको अभी तक के किसी भी प्रकार से इस प्रकार के, अभी चूंकि स्वर्ग में घूम रहे थे और मासूम थे यानी बहुत इनोसेंट थे, इनको आपस में मतलब एक दूसरे के जो अंगों को देख करके किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती थी। इसी प्रकार से जैसे बच्चों में, 2 साल के बच्चे अगर आपस में खेल रहे हैं, नंगे खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, कभी एक दूसरे के प्रति उनमें कोई ना आकर्षण होता ना विकर्षण होता है, केवल उनका बस एक खेल होता है, मासूम होते हैं वो इन सब चीजों से। तो ये मासूमियत उनके अंदर, इनोसेंसी उनके अंदर थी और वो इन सब चीजों से बहुत मुक्त थे, भावनाओं से मुक्त थे, केवल आनंद आनंद ही आनंद दे रहे थे। इधर जो शैतान था इबलीस, इसने सोचा कि अब किस प्रकार से इनको भ्रमित किया जाए। तो वो सांप का रूप लेकर के, जैसे बाइबिल में स्टोरी है कि सांप का रूप लेकर के वो स्वर्ग में प्रवेश किया और वहां जाकर के पहले आदम को बताया कि ये एक जो फल है। हाँ, अब यहाँ आपको बता दूं कि जब ईश्वर ने आदम और ईव को बनाया तो उनको ये कहा था कि यहाँ सारी चीजों को आप उपयोग करना, लेकिन ये एक जो पेड़ है इसके फल को मत खाना। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद वो एप्पल था, सेब था वो। हालांकि ये कहा जाता है कि ईट एन एप्पल डेली एंड कीप डॉक्टर अवे, ये इतना फायदेमंद फल है ये कि अगर इसको एक दिन डेली आप एक खाओगे तो डॉक्टर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्वस्थ रखेगा। खैर, तो इसको जो था, इस फल को नहीं खाना। तो अब यहाँ पर अब वो लोगों ने कह दिया कि भाई ये मना किया है, भगवान ने मना किया है तो हमको नहीं खाना है, तो उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। अब यहाँ पर जाकर के जो शैतान था वो जा करके उनको बहकाने लगा। पहले जाके आदम को बहकाया, बोले देखो ये तुम जानते हो कि ये फल जो है इसको ईश्वर ने तुमको क्यों खाने से मना किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोले मना किया तो मैं मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर ये कहा कि इसको तुम खा के देखो, तुमको पता लग जाएगा कि क्यों मना नहीं किया। बोले बोले नहीं, उन्होंने मना किया तो मैं नहीं खाऊंगा। जनरली क्या होता है कि पुरुषों को बहकाना, पुरुषों को जल्दी किसी की झांसे में नहीं आते, लेकिन महिलाएं जल्दी झांसे में आ जाती हैं। ठीक है, यह उनका नेचर है। तो अब ये शैतान जो था ये पहुंचा किसके पास? ईव के पास। अब वहां जाकर के उसको बहुत बहलाया, फुसलाया, फुसला करके किसी तरह से राजी कर लिया कि देखो ये जो फल है इसको यदि आप खाओगे तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। बहुत सारी महिलाएं थोड़ी ज्यादा जिज्ञासु होती हैं, आसपास मोहल्ले में किसके घर क्या हो रहा है सारी उनको जानकारी रहती है। आदमी लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे। खैर, तो यहाँ देखें तो होता क्या है कि जो ईव थी वो उसकी बातों में आ गई। उसने कहा, फिर उसने ये बताया, बोला कि तुम अकेले नहीं खाना, इसको अपने पति के साथ में या अपने साथी के साथ में तुम खाओगी तो तुमको इसका पूरा वो हो जाएगा। अब जैसे ही अब ये आए तो इन्होंने क्या किया कि जब ये आदम घूम फिर के वापस आए तो इन्होंने देखा तो उसको उन्होंने क्या किया कि बोले लो लो इसको खा के देखो करके अपने उसको बहला फुसला के दोनों ने वो एप्पल को खा लिया। शायद एप्पल हो या कोई भी फल हो, जो फल था जो जिसको जो प्रोहिबिटेड फ्रूट था उसको खा लिया। जैसे ही खाया अब यहाँ पर इनके जो ज्ञान चक्षु थे वो खुल गए और उनके अंदर में एक प्रकार से एक इनोसेंसी थी वो खत्म हो गई। अब एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे, एक दूसरे को देख करके अपने आप को कपट्टों से ढकने लगे, शर्माने लगी एक दूसरे को देख करके। लेकिन जैसे ही ईश्वर को ये बात पता लगी उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने सजा के तौर पर पृथ्वी पर दोनों को फेंक दिया, भेज दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एडम जो थे उनको जब पृथ्वी पर भेजा गया तो वो श्रीलंका में गिरे। अब इतने ऊपर से गिरे होंगे तो पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, जाने भाई स्टोरी है। और ईव जो थी वो साउथ अफ्रीका में जाकर के गिरी। तो इसके प्रमाण के रूप में तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या सही क्या था क्या गलत था, लेकिन एक ऐसा कहा जाता है कि वहां जब श्रीलंका में गिरे तो एक एडम्स हिल करके वहां पर एक जगह है जहां पर उसके पैरों के निशान दिखते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और ईव जो थी वो साउथ अफ्रीका में गई। तो जब इसका जो प्रमाण के रूप में हम कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो पहली हमको जो वो मिली थी लूसी, जो मिली थी लूसी का जो स्केलेटन मिला था वो साउथ अफ्रीका में, जो वो है जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे में इसका लूसी का स्केलेटन मिला था, लगभग 4.5 फीट का एक महिला का स्केलेटन मिला था जिसको
मदर ऑफ ऑल ह्यूमन ऑल मैनकाइंड कहा जाता है, ये मनुष्य की माँ कहा जाता है। अब पता नहीं ये वही थी, वही ईव थी या और कोई थी, लेकिन एक स्केलेटन मिला है, इसके कोई प्रमाण नहीं है कि वो ईव थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टोरी है पृथ्वी पर मनुष्य के उत्पन्न होने की। ये स्टोरी जो है, ये जो अब्राहमिक जो रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन यानी कि यहूदी, ज्यूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये इनके जो पौराणिक ग्रंथ है या इनके जो धर्म ग्रंथ है, उसमें ये तीनों में ये समान रूप से ये स्टोरी मिलती है। जैसे कि जो बाइबिल है यानी न्यू टेस्टामेंट है, उसके जेनेसिस चैप्टर में, और कुरान के जो सूरह, जो उसका एक वर्स है सूरह मोमिनून, उसमें ये स्टोरी हमको मिलती है। इसके बाद जो पौराणिक, जो हिंदू पौराणिक ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, वेद वगैरह, उसमें ये बताया गया है कि जो ब्रह्मा है वो सृष्टि के रचयिता है और उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो उन्होंने सबसे पहले जो जिस व्यक्ति की रचना की, वो पहले पुरुष थे मनु, और उसके दूसरे उसकी जो स्त्री थी उसका नाम था श्रद्धा। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो आदम थे, एडम जो थे, उनका नाम मनु था और जो ईव थी उसका नाम श्रद्धा था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र हुए। और इसके इनके जो शरीर के जो बाल थे, ये यहाँ पर हमको सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए ब्रह्मा का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से, अलग उनके शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई, जो उनके जो ये थे शरीर के जो बाल थे, उन बालों से पेड़ पौधे विकसित, पेड़ पौधे का विकास हुआ। और एक हम ये भी देख सुनते ये कहानी सुनते हैं, गणेश भगवान की कहानी सुनते हैं, कि गणेश भगवान अपने घर में थे और शंकर भगवान आए, और जो पार्वती माता थी वो नहाने गई हुई थी, एक मिट्टी का अपने शरीर के मैल से एक मिट्टी का पुतला बना के गई हुई थी, उसमें जान डाल दी उन्होंने। अब उसको बोले बेटा तू रक्षा करना, जिसको हम गणेश के रूप में जानते हैं। शंकर भगवान आए आकर के, उन्होंने जो जो वो थे उन्होंने जान अंदर जाने नहीं दिया, गणेश ने बोले नहीं, वो तो जानते नहीं थे। उन्होंने उसका सिर काट दिया, फिर उसके बाद उसके सिर पे क्या किया था, हाथी का जो सिर लगा दिया, और ये हुआ, ये सब, ये सारी स्टोरी हम जानते हैं। अभी थोड़े दिन बाद जैसे गणेश भी बैठ, जैसा हम देखते हैं गणेश बैठने वाला है, तो हम ये सब स्टोरी जनरली सुनते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर जो था, जो हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथ थे मत्स्य पुराण में, और क्योंकि मत्स्य पुराण में विशेष रूप से ये मिलता है कि जो इस प्रकार से जल से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो जो सब सभी धर्मों में कॉमन है, वो ये है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो जल से हुई। ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में और पुराण में, तीनों में ये चीजें मिलती है। उसके साथ साथ जो पौराणिक धर्म ग्रंथ, हिंदू जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है, उसमें भी ये चीज मिलती है कि जल से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ तो सब एक मत है कि जल से जीवन की उत्पत्ति हुई, यहाँ सब एक मत है, इसमें कोई आपस में कोई विवाद नहीं। और विज्ञान भी यह मानता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो जल से ही हुई है। तो यहाँ तक ये चीजें थी। अब ये जो पौराणिक, जो किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म के हों, अब ये तो अपने अपने विश्वास की बात है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है, वैज्ञानिक प्रमाण इन चीजों का नहीं। अब आते हैं थोड़े से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जिसमें एक सिद्धांत है अजीवाद जीवोत्पत्ति के, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, यानी कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो अजीव पदार्थों से हुई है। ये अजीव पदार्थ जो थे पृथ्वी पर थे, और इनके आपसी कुछ ऐसे घटनाएं, परिघटनाएं हुई, ऐसे कुछ उनके आपसी रिएक्शन हुए जिसके कारण ये जो थे, जो अजीवित पदार्थ थे, उन अजीवित पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई। अब जैसे देखे हम उसमें कि ये ऐसा कहा जाता है कि जो पलाश का जो पौधा था, पलाश का जो पेड़ था, उसके पत्ते जमीन पे गिरते तो उससे हंस बन गया, कीचड़ से मछली और मेंढक पैदा हुए, है ना, बिलों से अचानक सांप निकल आए, है ना। तो ये उस समय जो लोग देखते थे, जिस प्रकार देखते थे उस प्रकार समझते थे और अपनी थ्योरी लेते चले गए। इसके बारे में कोई विशेष हमको कोई प्रमाण तो नहीं मिलता। तो अजीवाद जीवोत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में जो सबसे पहला जो था, तो
यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो अजीवित पदार्थ है उन अजीवित पदार्थों से जो जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे अजीवा जीवोत्पत्ति। तो अजीवा जीवोत्पत्ति का जो सिद्धांत था उसके अनुसार जो सबसे पहले जो कुछ ऐसे पदार्थ जो कि जीवित नहीं थे उन निर्जीव पदार्थों से कुछ अनेक संक्रमणकालिक घटनाएं हुई, प्रतिक्रियाएं हुई, प्रक्रियाएं हुई, जिसे पहले ग्रहों का निर्माण, फिर अकार्बनिक अणुओं का निर्माण, उनसे कार्बनिक अणुओं का निर्माण, उनसे प्रीबायोटिक संश्लेषण, जो आगे हम जो वर्तमान की जो थ्योरी है जिसको हम थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ बायोकेमिकल बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो उसमें पहला जो था वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जननवाद। ये जो जीवन है वो अपने आप स्वतः उत्पन्न हो गया। तो आदिम काल से, आदिम काल ये कह सकते हो कि जिस समय सिविलाइज्ड हम हो चुके थे और हमारे जो अंपायर खड़े हो चुके थे, अलग अलग साम्राज्य खड़े हो चुके थे, जैसे एक समय में सिंधु घाटी सभ्यता थी, रोमन साम्राज्य था, बेबीलोनिया सभ्यता थी, मेसोपोटामियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी। इन सभ्यताओं के बाद जैसे जैसे हम थोड़े पढ़ने लिखने लगे, क्योंकि जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसकी लिपि तो हम आज तक नहीं पढ़ पाए, उसको समझ नहीं पाए अभी तक। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो रोमन जो सभ्यता थी उस समय अनेक्जिमेंडर 611 से 547 BC, याद रखिए यहाँ पर ये समय उल्टा चल रहा है ना, विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि जो समय है उसको हम सेंटर मानते हैं इस ईसवी सन को। ठीक है, यानी कि ग्रिगेरियन कैलेंडर जो है उसमें जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको हम जीरो ईयर मानते हैं, उससे पहले का हम माइनस में है और उससे पहले प्लस में हुआ। तो यदि हम कहते हैं कि 2024 ईस्वी यानी ईसा के जन्म के 2024 साल बाद, 611 BC हम कहते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म के 611 वर्ष पूर्व, तो उस समय एनिक्जिमेंडर, उसके बाद एरिस्टोटल जो कि 375 से 224 226 में 226 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, और एरिस्टोटल जो था वो सिकंदर का गुरु था, सिकंदर का गुरु एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का गुरु वो था सुक्रात, सुक्रेटो, सुक्रेटिस जिसको बोलते हैं, और सुक्रेटिस, सुक्रेटिस का जो गुरु था वो था अफलातून, प्लेटो। तो ये एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, अनेक्जिमेंडर, निधम, ये निधम तो बाद में थे, थैलीस वगैरह, इन्होंने इसको सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में निधम ने 16वीं शताब्दी में इसका इसको समर्थन दिया। तो इनका मानना ये था कि जो उच्च जंतु जो है उनका यानी जो एक्टिव जो यह कह सकते हैं जो हायर एनिमल्स हैं उनका जो विकास है वो छोटे और अविकसित यानी विकसित जंतुओं का विकास, अविकसित या विकसित जीवों का विकास अविकसित जीवों से हुआ। जैसे कि एक बड़ा जोर बहुत जोरदार एक आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो था वॉन हेलमॉन्ट का एक्सपेरिमेंट, बात करते हैं इस पे। तो इसमें जो था स्वतः जननवाद जो थ्योरी थी इसमें जो जीवों का विकास जो था वो अजीवित पदार्थों से हुआ था, इसको हेट्रोजेनेसिस कहा गया, कि ये जो एक जो समानुपाती पीढ़ी जो थी वो एक जीवन दूसरे असंबंधित जीवन के रूप में विकसित हुआ, यानी कि जो जो साथ में रहने वाली प्रजातियां थी वो एक दूसरे से असंबंधित थी लेकिन फिर भी वो एक साथ विकसित हुई। अनेक मतलब जो निर्जीव पदार्थ थे उनसे सरल कार्बनिक, फिर उसके बाद सरल कार्बनिक से जटिल कार्बनिक और जटिल कार्बनिक से जो वो है जो जीवन है उसका विकास हुआ। तो यहाँ पर जैसे कि ये कह दिया कि जैसे ब्रेड और पनीर के टुकड़ों को एक कोने में छोड़ देने से कुछ सप्ताह में उसमें चूहे पैदा हो जाते हैं, मृत मांस में कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर वॉन हेलमॉन्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, वॉन हेलमॉन्ट ने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो उस एक्सपेरिमेंट को उसने बताया था कि किस प्रकार अजीवित पदार्थों से जीवित जीवों का विकास होता है। तो उसने क्या किया कि वॉन हेलमॉन्ट का जो समय था 1577 ईस्वी से 1644 ईस्वी यानी 44 और 23 लगभग समझ लीजिए 77 साल के लगभग इसका जीवन था, ये एक फिजियोलॉजिस्ट था, एक केमिस्ट था,
और ये एक डॉक्टर था। इसने क्या किया कि एक पसीने से भीगी हुई शर्ट को पनीर और दही के साथ, ये एक उसमें गेहूं के कंटेनर में रख दिया। 21 दिन बाद उसने देखा कि उसमें कुछ चूहे के बच्चे दिखाई दिए। अब ये देखो, ये इस प्रकार से उसने कुछ गंदी शर्ट को चूहे के इसके गेहूं के साथ रख दिया, तो वहां पर 21 दिन बाद उसमें चूहे के बच्चे दिखाई दिए। वास्तव में खुले में रखा हुआ था, हो सकता है चूहे ने आकर के बच्चे, किसी चूहे ने आकर के बच्चे दे दिए वहां पर, ऐसा हो सकता रहा होगा। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में इसको सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये कोई विशेष रूप से ये जो ये स्वतः जननवाद यानी अजीवाद जीवोत्पत्ति का जो सिद्धांत है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो सिद्धांत था, वो चलता तो रहा लेकिन लंबे समय तक, कि 600 साल समझ लीजिए। कब? 600 साल ईस्वी से पूर्व, और उसके बाद 1400-1500 साल ईस्वी के लगभग, ये इन्होंने 1665 है ना, यानी 1600 साल ईस्वी सन में, यानी कि लगभग 2200-2300, यानी 2 से 2500 साल तक के ये जो सिद्धांत था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सिद्धांत, ये सिद्धांत लगभग 2-2500 साल तक के ये सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में मान्य रहा। ये बात विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ ना, वैज्ञानिक जगत में ये सिद्धांत जो था लगभग 200-200 साल तक के ये वैज्ञानिक जगत में मान्य रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सबसे पहले 1676 में, जैसा हम जानते हैं कि कोशिका की खोज हुई थी, और उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो थे, उन्होंने अपना जो माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे उन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को दिखाया। ठीक है, तो ये इन लोगों जो थे, इन लोगों ने लीवेनहॉक और इन लोगों ने बताया कि इस प्रकार से जीव होते हैं। बाद में फ्रांसिस्को रेड्डी जो थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो ये एक चित्र में दिखाता हूँ आपको मैं, कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर तीन उन्होंने जार लिए, एक जार जो था, और तीनों जार में एक साथ उबले हुए मांस के टुकड़े रखे। यहाँ पर एक जार को उन्होंने खुला रख दिया, दूसरे जार पे उन्होंने यहाँ पर एक जालीदार मुस्लिन का कपड़ा से ढक दिया, और तीसरे को उन्होंने सील पैक कर दिया बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तीनों के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं। जो खुला हुआ था उसमें मक्खी आई, बैठी, अंडे दी, उचित वातावरण मिला, और यहाँ पर मक्खियों के अंडे बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए, और ये मांस सड़ गया। दूसरा जो था, यहाँ पर मक्खियां अंदर तो नहीं घुस सकती थी, लेकिन ये जालीदार कपड़ा था, तो ये जालीदार जो कपड़ा था, ये जालीदार कपड़े के ऊपर उन्होंने अंडा दिया, तो ये अंडे जो थे, मक्खियों के अंडे नीचे गिर करके ये विकसित तो यहाँ पर हो गए। ठीक है, लेकिन वही तीसरा जो था, ये जो कि बिल्कुल सील पैक था, जिसमें किसी प्रकार से ना हवा अंदर जा सकती थी, ना कोई किसी प्रकार से कोई मक्खी या मच्छर या कोई दूसरे अन्य बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर नहीं जा सकते थे, तो ये जो उबला हुआ मांस था, ये वैसा का वैसा ही था, बिल्कुल बिना अपरिवर्तित था, बिना उसमें कोई परिवर्तन हुए। तो इन्होंने ये जो उन्होंने तीन अलग अलग उन्होंने तीन अलग अलग कंटेनर लिए, और अलग अलग कंटेनर लेकर के उन्होंने इस प्रकार से उसको रखा, और रख करके वहां पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो ये इस प्रकार से जो पहला एक्सपेरिमेंट था, जो फ्रांसिस्को रेड्डी का था, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिखाया कि अजीवित वस्तुओं से जीवन का विकास नहीं होता। क्योंकि अभी तक हम क्या मानते थे कि अजीवित वस्तुओं से जीवन का विकास होता है। ठीक है, लगभग 2000 साल तक ये मानते रहे। अब लगभग 1665 में इन्होंने जब ये बताया कि ये एक्सपेरिमेंट करके जब बताया कि ये जो अगर एक जो मांस के जो टुकड़े हैं उनको यदि खुला छोड़ दिया जाए, तो उसमें जो जो वो है मक्खी वगैरह जो है वो अपने अंडे दे देती, जिससे विकास हो जाता है, क्योंकि उनको उसका अनुकूल वातावरण मिला। दूसरे जो थे, जिसको कपड़े से ढक दिया गया था, उसमें अंडे वगैरह जो उसके थे वहां से कपड़े की जाली से नीचे गिर गए, तो वो भी विकसित हो गए, लेकिन मक्खियां अंदर नहीं जा सकी। और तीसरा, जिसको बिल्कुल सील पैक कर दिया गया था, उसमें किसी प्रकार से कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं हुआ, तो वैसा का वैसा रहा, फ्रेश रहा, और उसमें किसी प्रकार का कोई जीवन का विकास नहीं हुआ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो वो था एक्सपेरिमेंट था, वो था 1859 में लुई पाश्चर का। ये बड़ा जो सर्वे वाला इनका जो ये था एक्सपेरिमेंट था, बड़ा बहुत जोरदार एक्सपेरिमेंट, इसको इन्हें
इसको इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कहा था, हंस प्लास के जो एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया जरा देखें इसको हम, कि ये एक उन्होंने जार एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के ऊपर में इस प्रकार का एक ढक्कन लगाया और उसपे एक ऐसी हंस के जो हंस के सिर के समान ऐसी मुड़ी हुई उन्होंने एक पाइप रखी, नलिका रखी। इसमें उन्होंने मांस का शोरबा लिया, मांस के शोरबे को उबाल करके इनोकुलेट कर दिया, ठीक है, यानी जर्म फ्री कर दिया, और इसके ऊपर इसको टाइट कस दिया, इसको बिल्कुल पूरी तरह से टाइट कर दिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा तिरछा करके यहां से मांस के शोरबे को यहां ले आए और ये जो ढक्का इसका जो मुंह था इसको खुला छोड़ दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, समझिए, ये जो छह भाग है, ये जो भाग है ये खुला हुआ है, इसका जो मुंह, इसके जो स्वान नेक की जो नेक है, इसकी पाइप जो है, इसके इसका जो एक सिरा है वो खुला हुआ है, इस सिरे से एयर अंदर आ सकती है, ठीक है, एयर अंदर आ सकती है, यानी जो बैक्टीरिया है वो भी अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसने उबाला मांस के शोरबे को, मांस का शोरबा जो है एक रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये वो होता है मीडिया होता है जिसमें कोई भी पदार्थ, जो कोई भी जीव बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इनको एक अनुकूल वातावरण और कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो थोड़ा सा जो शोरबा ये यहाँ पर था, जब ये इसको खुला छोड़ दिया गया तो यहाँ पर से जो बैक्टीरिया वगैरह जो थे वो यहाँ प्रवेश किए और ये वाला हिस्सा खराब हो गया। लेकिन चूंकि यहां से यहां तक के वैक्यूम था, आने का कोई साधन नहीं था, बैक्टीरिया को ट्रेवल करने का कोई साधन नहीं था, तो ये वाला जो शोरबा था मांस का, ये जो मांस जो मीट सूप था, ये मीट सूप बिल्कुल अपरिवर्तित रहा, बिना खराब हुए वैसा का वैसा रहा। देखिए ये खराब हो गया, ये दोनों डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है लेकिन बीच में इनके निर्वात है, कोई इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन का कोई यहाँ पर साधन नहीं है, तो यहां से बैक्टीरिया यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाए, जबकि ये खुला हुआ, इधर से जहां से खुला हुआ था वहां से ये बैक्टीरिया आए और ये वाले भाग, ये वाले जो मीट सूप था उसको उन्होंने कंटेमिनेट कर दिया और यहाँ पर ये ग्रो करने लगी, लेकिन ये अपरिवर्तित रहा। लेकिन जब इसको हटा दिया गया और खोल दिया गया तो ये भी खराब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि इसने क्या किया कि जो जो स्वयं नेक जो वो था उनके उनका जो जार था, फ्लास्क था, उसमें जो शोरबा रखा, उसमें मांस का शोरबा रखा, मीट सूप रखा, जो उस मीट सूप में जब तक के सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं किए तब तक वो सुरक्षित रहा, खराब नहीं हुआ। जब उसकी गर्दन वाला जो हिस्सा था उसका एक सिरा उन्होंने तोड़ दिया, तो वहां पर जो गर्दन वाले हिस्से में जितना जो मीट सूप था वो खराब हो गया और फ्लास्क में रखा हुआ जो मीट सूप था वो खराब नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो गर्दन वाला जो मीट सूप था उसमें और फ्लास्क वाले मीट सूप में दोनों में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, यानी उनके बीच में वहां से वहां बैक्टीरिया को जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे वो वाले तो खराब हो गए, लेकिन जो कॉन्टेक्ट में नहीं थे वो खराब नहीं। और उसके बाद जब ये जो था पूरी गर्द उसके जो स्वान नेक थी उसको हटा दिया गया और फ्लास्क को डायरेक्ट एयर कंटेंट एयर एयर कॉन्टेक्ट में कर दिया गया, तो पूरा का पूरा जो मीट सूप था वो खराब हो गया। तो इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि कंडीशन फेवरेबल हो, वहां पर अनुकूल वातावरण हो और वहां पर जो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट भी मिले, लेकिन यदि वहां पर पहले से जीवित पदार्थ न हो तो अजीवों से जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब यह देखिए एक समय यहां पर दो चीजें अब पैरेलल हो गई, पहले जो एक सिद्धांत था वो सिद्धांत चल रहा था क्या, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, स्वतः ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो सिद्धांत था वो तो चल ही रहा था, जो एरिस्टोटल और थैलिस एनैक्सिमेंडर वगैरह ने दिया था, इसको वॉन हेलवांट ने सिद्ध भी किया था, निदम वगैरह जो मानते थे इस बात को, निदम जो थे वो 16वीं जो 16 सेंचुरी के साइंटिस्ट थे तो ये मानते भी थे। लेकिन उसी समय ये फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पाश्चर ने अपने प्रयोगों से इनको गलत सिद्ध कर दिया। तो दो चीजें तो हो गई, लेकिन अब यहाँ पर एक तीसरी जो पहले वाली जो जो हमारी पौराणिक जो धार्मिक जो बिलीफ है, जो हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है वो तो चल ही रहे और आज भी चल रहे हैं, आज भी
बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जो कि धार्मिक तबका है, जो धर्म का धर्म को तर्क की कसौटी में नहीं कसना चाहता, वो मानता है इन चीजों को। तो ये दो थ्योरी जो चल रही थी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन और नॉन स्पॉन, या क्या कह सकते हो कि अजीवों से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन अभी तक के कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था जिससे ये सिद्ध हो सके कि पृथ्वी में जीवन का विकास कैसे हुआ। यहां तक तो सही था कि पृथ्वी पे जीवन का विकास जीवों से ही उत्पन्न हुआ, ठीक है। एक से एक थ्योरी मान रही थी कि अजीवों से उत्पन्न हुआ, दूसरी थ्योरी मान रही थी कि जीवों से उत्पन्न हुआ, लेकिन अभी तक हमारे पास ये कोई ऐसा ना तो कोई प्रमाण था ना कोई सिद्धांत था कि पृथ्वी पे जीवन का विकास हुआ कैसे। तो आगे एक जो थ्योरी आती है वो थ्योरी कहती है ब्रह्मांडी उत्पत्ति या अंतर्ग्रही उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसको हम पैन स्पर्मिया या इंटरप्लेनेटरी या कॉस्मोसोइक थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी को बहुत बाद में 1865 में रिचर ने और अरहीनियस ने दिया था। ये अरहीनियस वही है जो केमिस्ट्री में अरहीनियस का सिद्धांत आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो है वो केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाते होंगे। तो ये इन्होंने दिया कि ये जो ब्रह्मांड में, जैसे कि हमने शुरू में देखा कि ब्रह्मांड में जब बिग बैंग विस्फोट हुआ, तो हो सकता है कि उस समय तो मैं नहीं समझता कि इतने हाई टेम्परेचर पे जीवन का विकास हुआ हो, लेकिन किसी ग्रह पे हो सकता है कि जीवन का विकास हो गया हो, और उस ग्रह से जो बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो इंटरस्टेलर या जो स्पेस जो डस्ट होती हैं उनके साथ में पृथ्वी पर आ गए हों और आकर के यहाँ पर जीवन का, यहाँ पर अनुकूल वातावरण मिला होगा तो जीवन का विकास हुआ होगा, ठीक है। तो ये मानता यह है कि पेनिस्पिरमिया का अर्थ है कि हर जगह बीज, सीड्स एवरीवेयर, कि जो जो ब्रह्मांड है उसमें हर जगह जीवन के बीज उपलब्ध हैं, उनको जहां अनुकूल परिस्थिति अनुकूल वातावरण मिलता है वहां जीवन का विकास हो जाता है, और ऐसा एक अनुकूल वातावरण अनुकूल परिस्थिति पृथ्वी पर मिली और ये विकसित या और यहाँ पर जीवन विकसित हो गया। देखें तो इसमें जैसे अलग अलग समय पे यहाँ पर हम देखते रहते हैं कि जो धूमकेतु, जैसे हेल बाप धूमकेतु और अलग अलग धूमकेतु पृथ्वी की जो वो है वायुमंडल या पृथ्वी के आसपास से गुजरते रहते हैं, या मीट्योराइड एस्टेरॉयड वगैरह जो हैं वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके यहाँ पर हो सकता है कि उनके साथ कोई स्पोर्स, लाइफ के स्पोर्स आए हों और पृथ्वी पे जीवन का विकास हुआ हो, इसको उन्होंने एक्सट्रीमोफाइल ये कहा था, ठीक है। अब आगे देखें कि इसमें एक ये भी है कि जो अभी हमारा जो बीच में जो सोजर्नर एक वो था मार्स का, जो वो था सोजर्नर डिस्कवरी, डिस्कवरी बृहस्पति के लिए गया था, सोजर्नर जो था वो मार्स के लिए गया था। तो वहां पर जाकर के जो मार्स का जो मंगल ग्रह का जब वो किया गया परीक्षण किया गया, वहां पर उसकी स्टडी की गई, तो पाया गया कि मंगल ग्रह का जो वातावरण है वर्तमान पृथ्वी के जो 3 अरब वर्ष पूर्व जो वातावरण था लगभग वैसे मिलता जुलता है, कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच, वहां पर एटमॉस्फियर है, धूल है, पत्थर है, ठीक है, और वहां के जो धूल और पत्थर हैं उनकी जो संरचना है, उनका जो जियोमॉर्फिक कंटेंट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जियोमॉर्फिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट है वो पृथ्वी के पत्थरों जैसा मिलता जुलता है, और एटमॉस्फियर जो है वो भी लगभग पृथ्वी जैसा है, लेकिन वहां पर 99% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण अभी तक की जीवन संभव नहीं हो पाया है। हो सकता है कि मंगल ग्रह में उस समय ऐसे कोई स्पोर्स वगैरह रहे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि यहाँ भी हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए भोजन का कार्य कर भोजन निर्माण का कार्य करती है, जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड का निर्माण करते हैं, और उससे उस फूड से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म उसको इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो एक वो था, कह सकते हैं कि जो मंगल ग्रह जो था वहां से हो सकता है कि कुछ स्पोर्स आए हो और वहां नष्ट हो गए हो और पृथ्वी पर विकसित हो गया, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो भी लगभग पृथ्वी जैसा ही, पृथ्वी की जुड़वा बहन उसको माना जाता है, तो उसके जैसा रहा होगा। अब यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया जो है उसके 3 सिद्धांत हैं। एक तो है लिथो पेनिस्पर्मिया, इंटरस्टेलर पेनिस्पर्मिया, कि इसमें जो इम्पैक्ट एक्सपेल्ड रॉक के कारण, इम्पैक्ट एक्सपेल्ड रॉक वो होती है कि जैसे एक ग्रह से गुरुत्वाकर्षण या किसी अन्य कारण से
अभी जो ये होता है जो अपकेंद्री बल के कारण जो कुछ रॉक्स हैं या मेट्योराइट एस्टेराइड जो हैं वो वहां से फेंक दी गई हो उसके सरफेस से, और वो एक व्हीकल के रूप में यानी जो स्पोर्ट्स हैं लाइफ स्पोर्ट्स हैं उनके व्हीकल के रूप में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर के जीवों को विकसित करें। दूसरा है बैलिस्टिक पेनिस्पर्मिया या इंटरप्लेनेटरी पेनिस्पर्मिया। इसमें भी लगभग ऐसा ही है कि जो ये जो चट्टाने हैं ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा करके ये जो है इनका स्थानांतरण का काम कर रही है, और ये एक ग्रह से किसी दूसरे ग्रह पर जा करके ये क्या कर रही है जो लाइफ स्पोर्ट्स हैं उनको फैला रही है। तीसरा है डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया, निर्देशित पेनिस्पर्मिया। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि इसको देने वाले कोई छोटे मोटे और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम जो वाटसन क्रिक जो पढ़ते हैं डीएनए का, जिन्होंने मॉडल दिया था, उनमें से जो क्रिक हैं, वाटसन तो स्टूडेंट थे, क्रिक जो थे उनके वो थे गाइड थे, पीएचडी गाइड थे। तो 1956 में इन्होंने डीएनए का जो मॉडल है जो वर्तमान में हम डीएनए पढ़ते हैं उसका मॉडल दिया था, जिसके लिए 1963 में इन तीनों को 1952-53 में इनको इन्होंने दिया था डीएनए मॉडल, और 1956 में जो वो थे वॉटसन क्रिक और तीसरे वाले कौन थे, उन्होंने जो इसका डीएनए का जो मेजरमेंट दिया था। तो जो इनमें से जो क्रिक हैं इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसके साथ में दूसरे थे ऑर्गेल, तो इसको क्रिक और ऑर्गेल कहा जाता है, क्रिक और ऑर्गेल का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने ये कहा कि किसी ग्रह पर हमारे जैसा जीवन रहा होगा और वहां से उड़न्त स्तरी पे, है ना, यूएफओ जो हम बीच बीच में सुनते रहते हैं, उड़न्त स्तरी से जो दूसरे ग्रह के एलियन हैं वो पृथ्वी पर आए और आकर के जानबूझ करके स्पोर्स यहाँ छोड़ करके गए, ताकि उनकी संतानें, उनके स्पोर्स और उनके जैसे जीव पृथ्वी पर विकसित हो सके। ये उन्होंने कहा था कि दूसरे प्लेनेट से कोई, अब इसके अलग अलग अभी तक के कोई ऐसा निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन एक कुछ ऐसा एक कहा जाता है कि मेक्सिको या नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, ऐसा कहीं पर एक वो मिला था, एलियन मिला था जिसको अमेरिका वाले अपने पास रखे हुए हैं, बताते नहीं है उसको, ये बड़ी रहस्यमय चीजें हैं, इसको सब सीक्रेट रखा जाता है, इसको बाहर चीजें इनको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो ये जो है ये क्रिक ने ये दिया था कि जो बाहर से आकर के कोई जो जीव थे जिनको हम कह सकते हैं एलियन, ये एलियन आकर के पृथ्वी पर अपने स्पोर्स छोड़ के गए और उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, लेकिन अभी तक के इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो मीटियोराइट्स और एस्टेरॉयड वगैरह जो पृथ्वी पर आते हैं उनके जो परीक्षण किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे हमको फॉसिल्स के माइक्रोस्कोपिक बहुत ये कह सकते हो कि ऐसे हमको मिले हैं वायरस बैक्टीरिया टाइप के, हमको कुछ ऐसे निशान जरूर मिले हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से या कंफर्म रूप से कंफर्म हम ये नहीं कह सकते कि वो जीवन के स्पोर्ट्स ही रहे होंगे। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो होता है पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसको दिया था पेरिन और अल्डाने ने। तो इसको हम अगले पीरियड में, अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, और इससे आप चाहे तो इसको पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं, आपकी आपके एग्जाम के लिए बने बनाए पूरे एक रेडीमेड नोट्स तैयार हैं।